गाड़ी स्पीड हो रही है गाइस, उसके बाद चढ़ रहे हैं। ये देखो भाई साहब गिर जाएंगे। ये देखो गाइस, बाप रे भाई, ऐसे में गिर भी सकते हैं गाइस, कोई भरोसा नहीं, बिकॉज ट्रेन स्पीड में है, स्लो में तो है नहीं, जो रुक जाएगी आराम से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप करता हूँ गाइस आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और बिल्कुल बढ़िया होंगे। अभी मॉर्निंग के टाइम हो रहे हैं, 5:01 हो रहे हैं फिलहाल, और आज ना मैं कहीं निकलने वाला हूँ। फिलहाल अभी मैं हूँ गांव में, तो मैंने गांव की एक भी वीडियो अपलोड नहीं की, तो शायद आपको पता नहीं होगा। फिलहाल मैं आ गया था, 2-3 दिन पहले ही आ गया था गाँव। फिलहाल पैकिंग वगैरह हो गई, जितनी भी सारी पैक करनी थी ना, जितने भी कपड़े वपड़े खाना पीना जितने भी सारी चीज़ लेना था, सारा का सारा चीज़ पैक हो चुका है। तो भी गाइस फिलहाल घर से तो निकल चुके हैं, यहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे बांस के पास। फिलहाल मैं गाड़ी के आने का वेट कर रहा हूँ, तो जस्ट इस साइड से आएगी मेरी गाड़ी। तो गाइस फाइनली अभी अपनी टेम्पो तो आ चुकी है, देखते हैं इसमें जगह है या नहीं है। अभी फाइनली स्टेशन पर तो पहुंच चुका हूं, बट एक प्रॉब्लम हो गई गाइस। जब मैं आ रहा था ना टेम्पो में, तो मेरे को पीछे बैठा दिया और पूरा धूल से धूल भर गया। देखो पैंट से लेके पूरा ऊपर तक बिल्कुल धूल से धूल हो गया। अभी थोड़ा वेट करते हैं, बिकॉज 6:55 की ट्रेन है, 6:30 हो चुके हैं, तो 15-20 मिनट वेट करना होगा। यूजली आपको बताया नहीं अभी तक मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ वैसे अभी तो जा रहा हूँ समस्तीपुर, एंड समस्तीपुर से फिर जा रहा हूँ मैं राजस्थान। आप लोग गैस करना है ब्लॉग में, बताना मुझे कि मैं राजस्थान में कहाँ पे जा रहा हूँ, वो आपको पता चलेगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। सुबह सुबह गाइस क्या ही मस्त मौसम हो रखा है बिल्कुल। तो गाइस फाइनली अभी अपनी ट्रेन तो आ चुकी है, काफी ज्यादा भीड़ हो रही है, इधर भी भीड़ हो रही है और इधर भी पूरा का पूरा एकदम भरा हुआ है। अपने को सीट मिल चुकी है, भीड़ देखो गाइस कितनी तगड़े बड़े भाई भाई गाइस, दोनों तरफ से उतनी तगड़ी भीड़ बढ़ी है। इधर से भी लोग अपना गमछा वगैरह रख रहे हैं कि उनकी सीट प्राइवेट रहेगी, मतलब वहाँ पे कोई बैठेगा नहीं। जब गाड़ी चलने वाली रहेगी तब सबके सब चढ़ेंगे, गाड़ी चलने से पहले कोई नहीं चढ़ता। देखो कैसे भाई ऐसे गेट पे लटक के गाइस कभी भी ट्रैवल मत करना, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ये देखो गाड़ी स्पीड हो रही है गाइस, उसके बाद चढ़ रहे हैं। ये देखो भाई साहब गिर जाएंगे। ये देखो गाइस, बाप रे भाई, ऐसे में गिर भी सकते हैं गाइस, कोई भरोसा नहीं, बिकॉज ट्रेन स्पीड में है, स्लो में तो है नहीं, जो रुक जाएगी आराम से। इस फाइनली अभी अपनी ट्रेन तो पहुंच चुकी है समस्तीपुर, एंड देखो सारी की सारी भीड़ भाई यहीं पर उतर रही है, बिकॉज दिस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज यही है। तो चलो अपन भी उतरते हैं, यहीं पर बैग मेरा ऊपर में रखा हुआ है, चलो बैग लेते हैं सबसे पहले। गाइस अभी फाइनली स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, इवन अभी बज रहे हैं लगभग 10 और पीछे बच्चे वगैरह बैठे हुए हैं। तो फिलहाल गाइस अभी मेरा प्लान है कि चल तो फटाक से टिकट लेते हैं, बिकॉज टिकट मैंने लिया नहीं है। जनरल की ट्रेन मतलब जर्नी होने वाली है हमारी जनरल की, और मज़ा आएगा, तो चलो देखते हैं। वैसे अभी ट्रेन मेरे को खुद नहीं पता है कौन सी है, बट टाइम पता है, नाम नहीं याद है उसका, तो वो है 12:10 पे समस्तीपुर स्टेशन से, ठीक है, और जाएगी अजमेर तक, तो अजमेर जाना है मेरे को, और वो हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखना कि अजमेर में किस लिए जा रहा हूँ। शायद कोई जिनको वो गैस हो गया होगा ना, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो फिलहाल अभी चलते हैं, वैसे थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ और फिर उसके बाद चलते हैं टिकट काउंटर पे, टिकट लेते हैं एंड देन फिर निकलते हैं सीधा सीधा अजमेर के लिए। बाकी गाइस धूप तो तगड़ी वाली हो रही है आज। तो गाइस अभी फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर तो आ चुके हैं, एंड हमारी गाड़ी आएगी 12:00 एंड अभी टाइम हो रहा है करीबन 10:30, तो अभी टाइम का वेट करते हैं 12:00 का। एंड मैंने टिकट वगैरह ले लिया प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, वो मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी एंड पुलिस वगैरह भी थी, तो इसके मैंने वहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया। चलो फिलहाल टिकट वगैरह तो ले लिया एंड अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, वेट करते हैं ट्रेन के आने का। वैसे गाइस मैं ना माइक लगा के शूट कर रहा हूँ, तो शायद आवाज़ आपको थोड़ी परफेक्ट आ रही होगी। ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का माइक सेट कर लिया है, वायरलेस नहीं है माइक, वायर वाला माइक है ये, तो नीचे से वायर है और ऊपर ये मस्त लगा लिया। तो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुँच चुके हैं पुल से उतर के फाइनली, एंड आज का मौसम काफ़ी, कभी मतलब इतनी कस के धूप हो रही है, कभी इतना मस्त मौसम हो जा रहा है। अगर ऐसा मौसम रहेगा ना भाई, फिर तो राजस्थान में घूमेंगे मस्त अपन, अजमेर शरीफ दरगाह वगैरह जितना होगा सारा चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, मतलब राजस्थान की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सो आई एम सो एक्साइटेड गाइज। तो चलो अभी ट्रेन के आने का वेट करते हैं, अभी बहुत टाइम बाकी है भाई। फिलहाल गाइज अभी डेली की तरह ना मेरी लाइफ में यही चल रहा है, अभी फिर मेरी ट्रेन ना 1 घंटे लेट हो गई, मतलब 12:00 की थी, अभी 1:00 दिखा रही है। तो चलो अभी 11:30 हो रहे हैं, तो मैं सोचा थोड़ा बहुत खाने पीने का ले लेते हैं ट्रेन में, अगर कुछ खाना पीना हुआ तो मस्त, नीचे नहीं उतरना पड़ेगा अपना, जनरल में तो रहेंगे, अगर ऊपर की सीट मिल गई ना तो बेस्ट रहेगा,
ऊपर बैठ जाएंगे आराम से, फुल मजे लेंगे गाइस। एंड बीच बीच में आपको लोग को नीचे भी उतर के दिखाऊंगा। तो सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत खाने पीने का ले लेता हूँ, कुरकुरे बिस्किट वगैरह, बिकॉज भूख वूख लगेगी। वैसे मम्मी ने ना खाना पीना बहुत ज़्यादा दे दिया है, इवन मतलब वो खस्ता वगैरह जानते हो आप, तो वो सब बना के दे दिया और चूरा भी तल के दे दिया है, वैसा सीन है कुछ। तो अगर नॉर्मल भूख लगेगी तो वो सब खा लूँगा, खाना भी तो है ही है, और थोड़ा बहुत ले लेते हैं और एक्स्ट्रा शाम वाम को खाने के लिए, या फिर वहाँ स्टेशन पे ले लेंगे। छोड़ो हटाओ यहाँ छोड़ो, वहाँ स्टेशन पे जब भूख लगेगी तब ले लेंगे। और पानी भी लेना है तो वो भी वहीं ले लेंगे। अभी मैंने एक बोतल फ़िलहाल भर लिया है, बट गाइस लेट हो जाता है यार, यही अच्छा नहीं लगता मेरे को। मतलब एक एक घंटे ट्रेन लेट हो जाती है। इवन मैं अपनी लाइफ में जब भी ट्रैवल करता हूँ ना, तो यही सीन रहता है, सारी ट्रेन आ रही है जा रही है, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, पता नहीं क्या यार। बट गाइस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए, एंड आई एम मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। बस वेट कर रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखाते चिल करवाते हैं कि भाई क्या ही सीन होने वाला आगे। तो गाइस अभी फाइनली करीबन एक डेढ़ घंटे वेट करवा दिए इसने, और अब जाके गाड़ी आ रही है हमारी, तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आ रही है, बगल वाले प्लेटफॉर्म पे। तो हाँ खाना पीना भी हो गया, मस्त सारी चीज़ वीज ले ली है, और ना अब निकलते हैं भाई सीधा। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि इतने लॉन्ग टूर पे ना 3-4 महीने बाद जा रहा हूँ, तो हाँ एक्साइटमेंट हो रही है अंदर से बहुत ही तगड़ी वाली। तो चलो अभी ट्रेन के आने का वेट करते हैं, बस 1 किलोमीटर पीछे आ रही है। बस जो एक्साइटमेंट है ना गाइस वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई इसके लिए। और फर्स्ट टाइम मतलब मैं लास्ट टाइम गया था सौरभ भाई से मिलने के लिए, सौरभ जोशी से मिलने के लिए गया था अकेले, एंड सेकेंड टाइम जा रहा हूँ अजमेर, किससे मिलने के लिए या फिर क्या सीन होने वाला है वो आपको पता चलेगा हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइज आई एम सो एक्साइटेड, आने दो गाइज ट्रेन आने दो बस। तो गाइज फाइनली अभी अपनी ट्रेन तो आ रही है, बट भीड़ काफ़ी ज़्यादा है ना, इसलिए मैं सबसे आगे आ गया हूँ, बिल्कुल धूप से पहले ही। ये देखो यहाँ पर लिखा ना समस्तीपुर जंक्शन, बस इसके पहले यहाँ पर धूप से पहले ही हूँ और ट्रेन का वेट कर रहे हैं भाई, वो आ चुकी है सामने। गाइज फाइनली अभी अपनी ट्रेन तो आ चुकी है, बट हाँ एक प्रॉब्लम होगी क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है भाई। और ये लो भाई वही आगे जिनसे मुझको डर लगता है, किन्नर भाई, गाड़ी खुल चुकी है तो चलो ऊपर बैठते हैं भाई आराम से, एंड रहते हैं गेट के पास। मैंने अपना बैग ना वहाँ पर रख दिया बिल्कुल उस साइड में, सो होपफुली सेफ रहे, कोई दिक्कत ना हो उसको, एंड रहते हैं यहाँ पर भाई। तो गाइज फाइनली बाय बाय समस्तीपुर, मीट यू नेक्स्ट टाइम अगेन। सो गाइज अब फाइनली निकल रहे भाई, काफ़ी दिनों के बाद एक लॉन्ग ट्रिप पे, वेरी एक्साइटेड गाइज। बच्चा है भाई देख कर, अरे ये लड़का बच्चा है भाई, उस पे पैर रखो न, उस पे चढ़ने भी नहीं आ रहा है। अबे उस पे पैर रखो ना यार, अबे भाई कैसे चढ़ रहा है। अरे चार आने पड़े, पानी है पानी, अरे चार पानी, चढ़ने ही नहीं आ रहा है। तो भी गाइस हमारी ट्रेन तो पहुंच चुकी है फाइनली मुजफ्फरपुर। तो गाइस फिलहाल ये वाला व्लॉग हो चुका है काफ़ी लंबा, एंड गाइस इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। मैं ये तो मैं काफ़ी देर के बाद शूट कर रहा हूँ बिकॉज व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया ना, इसके उसको एंड करने के लिए। सो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मैं मिलता है एक नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।